जानकर बहुत खुशी हुई है तुम जंगो को ना और जे होप। वैसे मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। अरे वाह, आप मैनेजर हो इस कंपनी की। आयु तुम इस कंपनी में मैनेजर हो? मुझे तो कभी पता ही नहीं लगा अपनी जिंदगी में। हालांकि ये मेरी ही कंपनी है वैसे। हाँ जे हो बेटा जंकुक, तुम आयु को जानते हो क्या? तुम इससे पहले कहीं मिले हो? ये तो मेरी मैनेजर है। वो नामजुन सर, हम कहीं मिले थे, मैं और आपका दोनों बेटी जंकुक और जे हो। वैसे मैंने जानती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट। एनीवे मैं इन्हें काम समझा देती हूँ, आप टेंशन मत लो। वैसे जंकुक जे हो आओ, मैं तुम्हें काम सिखा देती हूँ। अरे वैसे आयु, मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि तुम हमारी मैनेजर हो यहाँ की। अरे जे हो, मुझे बहुत काम है। आयु मैडम, आप मुझे काम सिखा दीजिएगी प्लीज? प्लीज सिखा दे। हाँ आयु बेटा, तुम ना इन दोनों गधों को कुछ काम सिखा दो, बहुत ही ज्यादा लापरवाही। चलो शुक्र है मैंने जिंदगी में एक दफा जंकुक की शक्ल तो देख ली ना। और जे हो वैसे ना मैं, अरे मैंने भी शुक्र तुम्हारी शक्ल देख ली आयु। वैसे सोचा नहीं था, मैंने भी सोचा था कि तुम दोनों आरएम सर के बेटे निकलोगे क्योंकि तुम निकम्मे लगते हो। क्या कहा, निकम्मे तो तुम लगते हो शक्ल से। हाँ वैसे जे हो, तुम मुझे कहीं देखे देखे लगते हो। अरे वैसे मैंने भी तुम्हें देखा है। क्या तुम गली के सामने वाले खंबे के स्कूल के पास पढ़ती थी? मैं भी वहीं पढ़ा हूँ बचपन से, जंकुक भी पढ़ा है, मेरा भाई, हम सब वहीं पढ़े हैं, वहीं ना। अरे हाँ वैसे मैं वहाँ पढ़ी हूँ, मगर किसी को बताना नहीं, मैंने झूठ बोला कि मैं बाहर से पढ़ के आई हूँ। और अब मैं इतनी गरीब नहीं हूँ कि खंबे के पास वाले स्कूल से पढ़ूँ, वो तो बचपन था ना हमारा। वैसे बहुत बुरी बात। क्या आयु, इसका मतलब हम लोग स्कूल मेट्स हैं? वैसे मैं तो तुम लोगों से 2-3 साल छोटा होऊंगा ना, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा पता नहीं है। वैसे जे हो, तुम्हारी क्लास में शायद पढ़ता हो क्योंकि मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखी देखी लगती है, लेकिन उस दिन मैंने नहीं पहचाना। हाँ वैसे मैंने तुम्हें पहचान लिया था, हमारी क्लास में वो पढ़ती थी, कौन, वो एक अजीब सी लड़की, बहुत ही अकड़ू, शायद उसका नाम ताए था। देखो मुझे याद आ गया, तुम भी थे और वो अकड़ू सी लड़की थी जो जंगू के साथ फ्री होती थी। मुझे अब सब याद आ रहा है यार। हाँ अरे वो अकड़ू सी लड़की ना मेरी भाभी है। क्या भाभी? वो मेरी बाबू है। आई समझ में, जबान संभाल के बात करो। क्या तुमने उस अजीब सी लड़की से शादी कर रखी है जंकुक? वैसे मुझे माफ कर देना प्लीज, वो मेरी जान से प्यारी चांद का टुकड़ा बीवी है और उसके बारे में मत बोलना। ओ मुझे माफ कर दो जंकुक, वो वैसे काफी अकड़ू थी उस जमाने में, लेकिन अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। हाँ आईना मत बोलना उसके बारे में ऐसा। हाँ सॉरी, वैसे मुझे ना अब सारी बातें याद आ रही है आज के दिन। बाबू फोन क्यों नहीं उठा रहा, काम अशरूफ है ये।